के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ विजय पाटिल जी है और इनके साथ हम यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं गूगल सीट। जी हाँ, गूगल की सर्विसेज में हम बात करेंगे गूगल सीट की। गूगल सीट से पहले हम बात करेंगे इसकी रिक्वायरमेंट, इसका एनवायरमेंट और इसके सपोर्टिंग और भी एप्लीकेशन कौन कौन से उसके लिए। तो गूगल सीट यूज करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक गूगल की आईडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गूगल की आईडी। गूगल की आईडी है तो गूगल की आईडी से सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ड्राइव को एक्सेस करना है। क्योंकि आपकी जो फाइल्स, क्योंकि कोई पीसी में आपकी फाइल्स होगी नहीं, फाइल जो भी सेव होगी वो आपके गूगल ड्राइव में सेव होगी। नया पुराना फाइल जो भी लेना है आपको गूगल ड्राइव से लेना है। और अगर गूगल ड्राइव को फ्री यूज करते हैं तो 15 GB का आपको स्पेस मिलता है, 15 GB का। लेकिन इससे ज्यादा स्टोर चाहिए आपको तो इसको आपको परचेज करना पड़ेगा, जिसका मंथली होता है। जैसे 15 GB फ्री है, 100 GB आपको 1300 रुपया पर ईयर है, 2 GB लेते हैं तो 2100 रुपया, 2 TB लेते हैं तो इस तरह से आपका मंथली इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है। तो ये चार्ज किसकी है, गूगल सीट या इसके नहीं, इसकी ड्राइव की चार्ज है। देखिए आपकी फाइल्स और आपके डेटा को वो क्लाउड पे अपने सर्वर पे स्टोर करेगा, उसकी चार्ज ले रहा है। ठीक है सर? हेलो, ओके सर। हाँ ओके सर, ओके सर। अब दूसरी चीज ये है कि आप एक्सेल फाइल को भी गूगल सीट पे ओपन कर सकते हैं और गूगल सीट पे भी अपनी गूगल सीट की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे? क्लियर है सर। तो आप यहाँ न्यू दिख रहा है आपको, न्यू पे क्लिक। हाँ दिख रहा है। न्यू पे क्लिक करते आपसे पूछता है कि आप अपने ड्राइव में क्या चाहिए, आपको फाइल अपलोड करना है, फोल्डर अपलोड करना है या गूगल डॉक। गूगल डॉक क्या है? रिलेटेड टू MS वर्ड MS Office का डॉक्यूमेंट। तो हाँ, MS Word जो है, MS Word में हम लोग टाइप करते थे ना, वो Google Doc के अंदर चला। Excel जो है, वो आपके Google Sheet से Spreadsheet, इसके Sheet पे आ गया, जो PPT है, Google Slide हो गया, और More पे आते हैं तो Google Form है, Google Drawing है, Google Map है, Google Sites है, Google Jamboards है, Google Separate Sheets, Calculations है, वगैरह। ओके सर। सपोर्टिंग उसके गूगल फॉर्म और गूगल सीट कनेक्टेड है, आपको आगे हम बताएंगे इसके बारे में। अब इस पे हमने क्लिक किया, ये आपका गूगल सीट खुल गया और ये जो है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट के नाम से अभी है। जैसे बुक वन बुक टू होता है ना, ऐसे अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट से आपका है यहाँ पे। ठीक है, और ये आपको नया टाइम में सेव हो गया है। अब इसकी ये बात है कि इसकी कैपेसिटी यहाँ पे आपको दिख रहा है 1000। देखिए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और कितना ऐड कर सकते हैं, बहुत सारा दे दिया और ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि 5 लाख से ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। इकाई 5 लाख रो सैकड़ा हजार 10,000 50 लाख है क्या? 50 लाख है सर। हाँ 50 लाख है। तो इसमें एक बेनिफिट हुआ कि एक्सेल में तो आपका 10 लाख है, 10 लाख समथिंग, यहाँ आपका 50 लाख बेनिफिट है, 50 लाख से ज्यादा रो नहीं ले सकते। ठीक है, ठीक है सर। और कॉलम इसमें कम है, जेड तक ही कॉलम है और कॉलम को ऐड करने का ऑप्शन नहीं है इसमें है। मैं इसको यहां से इंसर्ट करूं नया कॉलम, नहीं इंसर्ट कर सकते हैं, 1000 डिफॉल्ट है इसका, हो रहा है सर। लेकिन क्या है ना कि इसका इंसर्ट 1 by 1 नहीं कर सकते हैं, इसमें एक साथ सारे कॉलम इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके सर, ये
एकदम एक्सेल सीट की तरह है, सीट है, नया सीट ऐड करना है आपको, तो यहाँ प्लस पे क्लिक कीजिए, नया सीट ऐड हो जाता है। ओके सर। और इसमें आपकी फाइल 2003 में जो एक्सेल के फीचर्स थे ना, सारे फीचर्स, सारे उसी तरह के फीचर यहाँ पे दिखता है। ओके सर। ठीक है, और इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ टीवीए में लेना है आपको, तो यहाँ पे स्किप, एक तो माइक्रो इसका ऑप्शन है, इसको माइक्रो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके स्किप राइटर है, जो कि आप अपने फंक्शंस वगैरह कैलकुलेट क्रिएट, जो वीवीए एडिटर होता है ना, उस तरह सर। और इसके भी पूरे ए चीजें हैं, तो यहाँ आप वीवीए इसका यूज कर सकते हैं, कोडिंग वगैरह फंक्शन वगैरह। ये आपका जावास्क्रिप्ट की कोडिंग चलती है, वो वीबीए नहीं चलेगा? नहीं सर, नहीं वीबीए नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है सर, जावास्क्रिप्ट की चलती है। और यहाँ पे आपके फीचर्स है। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए कि आपको एक्सेल कोई सीट, एक्सेल की सीट, जो एक्सेल में आपने काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम किया, उसको गूगल सीट में ओपन करना, सबसे पहले उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ आप न्यू पे क्लिक करके, अपलोड फाइल पे क्लिक करके इसको अपलोड कर, ठीक है, और फिर इस पे okay, करेंगे, जिसमें अपलोड है मेरा, तो ये खुलेगा। ओके सर। यार ये माफ कीजिएगा, ये है, वो तो एक्सेल का ही था, देखिए दिख रहा है ना आप, एक्सेल एम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसको मैं ओपन किया, ये ओपन होगा, पहले ये स्प्रेडशीट व्यू में ओपन होगा, ओपन विथ को करें और यहाँ पे गूगल सीट पे इसको ओपन कर, ठीक है, अब इसमें जो काम कर कर सकते हैं, क्लियर? ठीक है सर। और जरूरी नहीं कि आप गूगल में अपलोड करें, आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट में आए, मान लो किसी ने आपको फाइल, मान लो इसने मुझे इनपुट सीट का फाइल भेजा, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो पहले मेरा खुलेगा इस पे नॉर्मल, फिर मैं ओपन विथ पे जाऊंगा तो ओपन विथ गूगल सीट करूंगा तो फिर वो सीट में आ जाएगा, गूगल सीट में ओपन हो जाएगा ना? और ओपन करेगा, और रो ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक रो ले लेगा सर। हाँ नहीं समझे, रो तो आपका 1000 दे रहा है, लेकिन आप 50 लाख ऐड कर सकते हैं ना, और एक्सेल में तो 10 लाख, एक्सेल में 15,000 रो है, ऐड नहीं 15,000 नहीं है, 10 लाख है, हमने डेटा 15,000 रो का डेटा, हाँ तो अपने आप ले लेगा, अपने आप ऐड कर देगा, अपने आप ले लेगा। हाँ ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर। और फाइल, अगर फाइल बन जाती है तो फाइल को इजीली आप किसी को मेल कर सकते हैं, मेल करने की जगह पे आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके सर, आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं, या मेक एक कॉपी बना सकते हैं, इसकी कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जैसे ईमेल पे हमने क्लिक किया तो डायरेक्टली मैं यही से ईमेल कर सकता हूं, हमें पीडीएफ नहीं, जीमेल खोलने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ठीक है, ओके सर। इसमें ये फंक्शन की लिस्ट है, इस पे आपका या एफएक्स पे क्लिक, जैसे कोई फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं तो उसका पूरा फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला का लिस्ट आ जाता है, जो भी फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, ओके सर। जैसे एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं ऐसे यहाँ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ भी आपका, इसके अलावा यहाँ फॉर्मूला आप ला भी सकते हैं, जैसे कि अगर आप फॉर्मूला लिस्ट देखना है, कौन-कौन फॉर्मूला है, तो भी आप यहाँ से इंसर्ट पे जाके फंक्शन एफएक्स पे क्लिक करेंगे, ये सारे लिस्ट है, कैटेगरी वाइज है और यहाँ पे फटाफट, ये सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप क्या करें, अभी आप इसको यूज करें, समझे? यस सर। अभी आप क्या करें कि कुछ डेटा खैत बनाए इस पे, सबसे पहले बात अवेयरनेस, तो गूगल सीट में काम किया आपने कि नहीं? किया है सर मैंने गूगल सीट, मैंने कि कर रहे हैं कि किया था, वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो आपको क्या करना है कि फाइल्स को अपलोड करके उसको एडिट करना है, उसमें बहुत सारे फीचर्स आपके आएंगे,
और सिर्फ गूगल सीट को ही आप इसमें, और भी जैसे गूगल डॉक की बात करें तो आप गूगल डॉक ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट या फ्रॉम टैम्पलेट्स। मैं फ्रॉम टैम्पलेट कर दिया तो मेरे पास इतने टैम्पलेट्स हैं, ठीक है ना आपको सर, हाँ सर, जब कोई टैम्पलेट बनाना है तो ओपन कर सकता हूँ। ऐसे यहाँ पे आते हैं आप तो गूगल शीट्स आपको दिख रहा है ना, इस पे आप हाँ क्लिक, सर, यहाँ पे फ्रॉम टैम्पलेट आएगा। जब फ्रॉम टैम्पलेट करेंगे तो यहाँ पे गूगल सीट के बने बनाए फॉर्मेट्स आएंगे, दिख रहा है। हाँ सर, जैसे मान लिया 2019 का, 2020 का कैलेंडर है, राइट, हम इसको क्लिक, कैलेंडर। दिख गया। अब आप हाँ सर, इसको बनाने की, सेम ऐसा बनाने की कोशिश करें। कैलेंडर। फॉर्मेटिंग वो कैसे? हाँ, तो बना ही सकते हैं ना आप। फॉर्मेटिंग तो रो वाइज हो जाएगा सर। हाँ तो ये बात कर रहा हूँ, पहले क्या गए, पहले क्या होती है कि आप नकल करने की कोशिश करें। कॉपी। हाँ नकल, जैसे आप पेंटिंग क्लास में जाएंगे ना तो आपको आप पहले ही आपको पेंटिंग बना के नहीं देगा, पहले बोला है कि जो बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग है उसकी नकल करना सीखे। तो नकल क्या कॉपी होगा करेंगे। कि उनकी पेंटिंग की स्टाइल आपको पता चलती है, तो आपकी पेंटिंग में किसी ना किसी की स्टाइल आ जाएगी। यस सर। उसी तरह से इसमें आपको बने बनाए आपके टेम्पलेट्स हैं, ठीक है ना। इसमें से 10-20 टेम्पलेट्स को डाउनलोड करें और उसको समझें और फिर ऐसा ही टेम्पलेट बनाने की कोशिश करें। ओके सर, समझे? ओके सर, या अब एक रिपोर्ट है आपका जो बना हुआ है, वो दो चीज से एक ये हो गया, दूसरी एक आइडिया आपको ये भी मिलेगा। क्या आइडिया मिलेगा इससे? इससे आइडिया मिलेगा आपका कि आगे चल के आप जो रिपोर्ट बनाएंगे तो आपके जहन में आ जाएगा कि हाँ इस तरह की रिपोर्ट हम बना सकते यस सर, हैं, बस कहना। हाँ सर, इसी एक आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ हम इस तरह की रिपोर्ट बना सकते, बना सकते। इसलिए बोल रहे हैं। तो गूगल सी, सर एक्सेल, हाँ बोलिए। हेलो सर, एक्सेल और गूगल शीट में वो, या गूगल शीट बेटर रहता है, फीचर में ज्यादा रहेगा? क्या समझ नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? और एक्सेल के फ्यूचर के, एक्सेल और के फ्यूचर और गूगल शीट के फ्यूचर में ज्यादा डिफरेंस तो फीचर्स होगा ही ना, सेम टू सेम नकल थोड़ी कर देगा। डिफरेंस, वो ज्यादा देखिए बेटर एक्सेल एक ऑनलाइन बताता हूँ, वो बनाते हैं। एक्सेल जो है एक आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन यस सर, है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है, और आपका गूगल सीट एक आपकी वेब एप्लीकेशंस है। तो वेब यस सर, चलती है तो जो वेब पे चलने वाले सॉफ्टवेयर जो फीचर्स थे वही होगा ना सर, हाँ सर, थोड़ी बहुत लिमिटेशन तो फर्क होगा। अब ऐसी बात नहीं है कुछ चीज एक्सेल में है अब गूगल सीट में है एक्सेल में नहीं है, थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा। डिफरेंस थोड़ा बहुत नहीं, बहुत की डिफरेंस है, बहुत सीओ की डिफरेंस है इसमें। धीरे धीरे आपको सब स... और डेटाबेस के लिए सर वो गूगल शीट बेटर रहता है और एक्सेल? क्या डेटा मतलब? डेटाबेस के लिए अगर डेटा हमारा कोई होगा तो डेटा के लिए, डेटा सेव देखिए करने के लिए। डेटा सेव आपको किस पे, एक्सेल, देखिए एक्सेल आपका हो गया ऑफलाइन, ऑफलाइन हो गया सर। गूगल सीट आपका हो गया ऑनलाइन। गूगल सीट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं आप, एक्सेल के लिए आपको एक्सेस करने के लिए पीसी चाहिए होगा। गूगल सीट को हाँ, आप पीसी। फोन से भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल फोन पे भी उतने सारे सारे फीचर्स आएंगे जो आपके डेस्कटॉप पे आते हैं। हाँ यस सर, बात समझ गया ना। दूसरी चीज, अगर गूगल हाँ सीट पे जाके फाइल बनाते तो आपकी ड्राइव में सेव होता है, हार्ड ड्राइव में सेव होगा सर। एक्सेल की आपके सिस्टम में सेव होता है। तो अगर यस आपके सर, पास आपको डेटा ज्यादा, 15 GB तक तो आपको फ्री दे रहा है गूगल, अब जैसे आपको 15 GB ज्यादा होगा आपको मंथली पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर डेटा 15 GB से ज्यादा हो जा रहा है तो खैर तो आपको मंथली कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर एक्सेल मूव होना पड़ेगा। कर देना पड़ेगा।
कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, जब डाउनलोड करोगे तो अपने आप कन्वर्ट करके डाउनलोड करेगा, ओके सर, ठीक है ना? ओके सर, इसलिए बोल रहे थे। ठीक है सर, कल मिलते हैं 9:45, मतलब आप कुछ टेम्पलेट्स को अच्छे से देख लीजिए।